गैरसैंण की जगह राजधानी देहरादून में शीतकालीन विधानसभा सत्र आयोजित होने पर धरने पर उपवास पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहाड़ों की राजधानी को पहाड़ों की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है, तो वहीं भाजपा उन पर निशाना साध रही है। राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने पौड़ी में हरीश रावत की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। विश ने कहा है कि रावत खुद अपने कार्यकाल में पहाड़ को लोगों और गैरसैंण की उपेक्षा कर चुके हैं और अब सिर्फ ड्रामा करके लोगों को भ्रमित करने में जुटे हैं। गैरसैंण का जो विषय है वो कांग्रेसियों के लिए गैरसैंण गैर हो गया है। हरीश रावत जी गैरसैंण के नाम पर वहां के लोगों को उन्होंने छलने का काम किया। जब वो सरकार में थे तब वो गैरसैंण को राजधानी की बात नहीं करते थे, शीतकालीन राजधानी की बात नहीं करते थे, अस्थाई राजधानी की बात उन्होंने की। उन्होंने मैदानी और पहाड़ की बात करके